ya gimana? Kita dulu jaga Muhammad wa ali Muhammad. किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए, पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए, जाने आबिद को कहाँ तक ये सफर ले जाए, पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह तबाही की खबर ले जाए, सोचती होंगी ये बालों मेरा बच जाए सुहाग, सोचती जाए सुहाग, हुरमला मुझे से मेरा लख्त जिगर ले जाए, पास ज़ैनब बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए, बोली होंगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब, बोली होंगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब, चांद को मेरे किसी की न नजर ले जाए, पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए, रखे हो किस लगते हुए उस मक्तल में, रखे हो
सुमाक्तल में लाश बच्चों की के शबीर कसर ले जाए पास ज़ैनब के बचा के है जो घर ले जाए किस तरह पूरी तबाही की खबर ले जाए शायरी ज़िक्र सरवर में मुझे मौत अगर ले जाए पास ज़ैनब के बचा के है जो घर ले जाए किस तरह की कब्र ले जाए दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद माशाल्लाह अमर भाई अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहु एक मरतबा भरपूर मिलजुल कर सलावत पढ़वे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज अब मैं दावा देता हूँ ब्रदर मीसम रजा को कि वहाँ आए राके सलाम पेश करें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत बारे दिगर सलावत एक बार बाबा जब बुलंद सलावत भेज दे मोहम्मद वाले ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर महशर न होगा बार में सरकार के बगैर और अपने जहनों में खाने कावा का तस्वीर लाइए तो मैं एक शेर पेश करता हूँ कायम वहां सजाएंगे अब्बास महशर
सरकार के बगैर। एक बार बार मोहम्मद वाले मोहम्मद को सलावत भेज दो। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, तेरा चेहरा कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, चलते ना खुद को जलती रेत पर, चलते नाके से गिराया खुद को जलती रेत पर, घुट तेरी लाश तक आई हुसैन, और बस में घबराती थी खंजर तुझ पे चलता देख कर, किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन, और कौन था जो मरने वालों में नहीं था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू, भूलने बैठी तो किस किस हुसैन, तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात।
आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि जितना आगे आ सकते हैं आगे की तरफ आ जाइए ताकि पीछे आने वाले मोमिनीन को कम अज कम परेशानी हो। एक मरतबा भरपूर सलवात पढ़ लीजिए। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। एक मरतबा भरपूर सलवात पढ़ते हुए लाहुमा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फराज। अब मैं दावत सलाम देता हूँ ब्रदर असद अली को कि वह आए और आके सलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम कहते थे आदा सलाम कहते थे आदा रुलाओ ज़ैनब को सरे हुसैन सिना पर दिखाओ ज़ैनब को हुसैन माँ को रन में किया था जिससे शहीद वो खून भरा हुआ खंजर दिखाओ ज़ैनब को सदाए फातिमा आई के मेरे शब्बी तड़प रही है गले से लगाओ ज़ैनब को जकड़ के लाए हैं शिकन की बेटी को ये कह के शाम दर दर फिराओ ज़ैनब को कहा यजीद ने जब शिम्र से सरे दरबार किधर है दुख्तर जहरा बुलाओ ज़ैनब को
कहते थे आदा रुलाओ ज़ैनब को तुरुद मोहम्मद वाले السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على To tell you the truth, I'm a little surprised that I had to speak right in front of you. MashaAllah, I see more knowledgeable people than I am. But I will try to share with you whatever knowledge I have, alhamdulillah. Is English okay, or you want me to switch over to the Urdu channel? English okay, all right, thank you very much. So, alhamdulillah, we just reached Hadith Kisa. And Hadith Kisa actually is a beautiful story, historical fact. About the demeanor of Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We can all learn from Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam. The youngsters can learn, the elders can learn, we all can learn something from Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam. Provided that we're sincere in our learning. Just listening to Hadith al-Kisa, wah, 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 mashallah, mashallah. But then as soon as you turn around, everything is forgotten. That is not the message of Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam are from among the people. قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا They said, Allah is our Lord, and then they hang on to it. They do not deviate from the right path, even for a little second, split of a second. We have a modern terminology called nanosecond. They do not deviate for a nanosecond. Even to think about them to be deviated for a nanosecond, it's shirk for us, it's kufr for us. We do not believe that, absolutely. So it doesn't matter how old the Ahlul Bayt are, Once born Ahlul Bayt, always Ahlul Bayt. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. So let's take the example of Imam al-Husayn alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad. When he was born, he was given Imam Ali alayhi salatu wasalam has the first right to give his own child a name, but he did not. Respect for elders. He waited till Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam showed up and he asked. He said, did you name the baby? He said, no, we've been waiting for you. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam named the baby Hussein. And then he said, "Anta minni bi manzilati Harun min Musa."
Imam Ali alayhi salatu wasalam has the same station as Aaron. That's a biblical name for Harun alayhi salam. As Aaron had to Moses alayhi salatu wasalam. Like brother, like son. Like brother, like brother. Like father, like son. So Aaron or Harun alayhi salam had two sons. We have a little pronunciation problem. Shabar and Shubair. Myself, it's not Shabir, by the way. It's Shubair. It's supposed to be Shubair alayhi salatu wasalam. At the same, what we call in Urdu, wazan. Understand? See, Hassan, Shabar. Hussain, Shubair. So Imam al-Husayn alayhi salam, when he was born, on a beautiful day, 3rd of Sha'ban, beautiful baby. But Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, instead of being happy, he cried. But that's not what I'm here to talk about. I'm here to talk about the character of Ahl al-Bayt sallallahu alayhi wa sallam. When Imam al-Husayn alayhi wa sallam was growing up with his brother, Imam al-Hasan alayhi salatu wasalam. Everybody has heard this story, but we had to take a lesson from. We had to take home the lesson. We had to take it to our heart. Do it. Not only cry for them, alayhi salatu wasalam. Also, we have to understand why we cry for them. Why? Just because he's a grandson of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam, that is a great honor by itself. That's a great honor by itself. But not only because of that. Because Imam al-Hasan and Imam al-Husayn salamullah alayhima Sayyida Shabab Ahl al-Jannah. They are the leaders, the captains, the chiefs of the youngsters of paradise. So their character was matching that too. Wherever they were, whenever they were. So this old man shows up one day and he's making wudu. Everybody knows this story. But I just want to bring out the character Imam al-Husayn alayhi salatu wasalam when he was very, very young. Very young. Probably, I don't know, 4, 5, 6, 7 years old, probably. I don't know. Very young. But from the beginning, Imam al-Husayn alayhi salatu wasalam knew how to carry himself, how to behave in front of others, how to tackle a problem whenever he's faced with. So here's this old man, 70, 80 years old, Sahaba, doesn't know how to make wudu. So Imam al-Husayn alayhi salatu wasalam, Imam al-Hasan alayhi salatu wasalam, approach him, and they say, Ammo, Ammo, or Chacha, Chacha, as we say. Chacha ji, dekhiye, see, my brother Hassan and I, we are competing, so to say, and see which one of us has the correct wudu. You just watch us and then you judge. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. So, Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, the both of them, Sayyida means two Sayyid. Sayyidan, Sayyida. So the two Sayyid, Imam al-Hasan and Imam al-Husayn alayhi salam, they told the old Sahabi, they said, please judge us, see which one of us makes a better wudu. And he got the point. He says, okay, go ahead. And then when they were making wudu, then the old guy realized that it was me who was making the mistake. So he corrected the Imam Husayn alayhi salam, corrected the old man in a very polite way. Ala Muhammad wa ala Muhammad. If he could, he would have said, old man, I'm the grandson of Prophet Muhammad. I know how to make wudu. Come teach, learn from me. He could have said that, but no. This is against the akhlaq al-anbiya and akhlaq al-a'imma. See, the station of imam is much higher than anbiya.
Astaghfirullah, we do not dishonor any of the prophets. Prophets are absolutely masoom. We all believe that. But when it comes to Imam, look at the story of Ibrahim alayhi salatu wasalam. They say there are so many levels to become an Imam. But one doesn't become an Imam, one is chosen an Imam by Allah subhanahu wa ta'ala. There's not a university, there's not a college. Even we, Belfield College, I teach at Belfield College, we don't have a degree in prophethood or in imamathood. We don't teach that. Allah teaches that. Or we call it the ilm al-dunni. Or ilm min Allah. And that is ilm al-ghayb. And that Allah subhanahu wa ta'ala only teaches to His chosen ones. And that are only the ma'sumeen, sallallahu alayhi wa sallam, or the awliya. So that was one of the stories of Imam al-Husayn alayhi salam when he was young. We are all commemorating Karbala nowadays. Look at his character in Karbala. By the way, do you know who is the reason for Imam Husayn alayhi salatu wasalam to come to Karbala and to get stuck there? If I could say that. Hur ibn Yazid al-Riyahi. And he admits to that. Hur says that. He says, Mawla, I am the reason for you to be here. And how did Imam Husayn alayhi salam treat Hur? When the first counter in Karbala, Hur is coming to stop Imam al-Husayn alayhi salam to going from any further from that place, Karbala, Ghadariya, Nainawa, so many names. So he stops him. But Imam alayhi salatu wasalam, he notices that these guys have long faces. That means they were tired, they were thirsty. So Imam Husayn alayhi salatu wasalam, at that time Hur was his enemy, wasn't he? He was in Yazid's army. How did Imam Husayn alayhi salam treat his own enemy at that time? Of course, Imam alayhi salam knows that he's going to become my friend. But at that time, we're talking about that specific time, Hur had no idea. He was his enemy at that time. So Imam al-Husayn alayhi salam, what did he do? He told the Banu Hashim to go bring water and give it to the thirsty. How to treat enemy in a difficult situation. That's Imam al-Husayn alayhi salatu wasalam. Right? And look what they did. What did the Ummah do to him? What did the Ummah did to him? So this is the character of our imams that we have to adapt to. We have to adopt that character. We have to act on that character, inshallah. So that is the take-home message, inshallah, today. Why we cry to the imams? I always emphasize this. Why do we cry to Imam Husayn alayhi salam? For Imam al-Husayn alayhi salam. This is why. He did not deserve what he went through. There's the hadith from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Very strong hadith. Very strong. Imam alayhi salam is saying that if the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wasallam had ordered his ummah to commit as many crimes against his family, those guys could not have done worse. You get that message? There was not another crime that they could have committed against the family of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They did the worst that they could. I mean, where do you see that? Even in modern days, you don't see any example of what happened in Karbala. Of course, it's not to disregard any other zulm that's going on. The slaughter of Shia in Pakistan, the slaughter of Shia in Iraq, the slaughter of Shia in Syria, which hardly anybody ever talks about. Because it's Shia, it's the third party, yeah, who cares, right? Astaghfirullah. So we don't see, or we would never ever see the likes of Karbala again. And never was it ever in history before Imam al-Husayn alayhi salam or after Imam al-Husayn alayhi salam. It is only for Imam al-Husayn alayhi salatu wasalam. Right? So inshallah, take home message is why we
love the Ahlul Bayt sallallahu alayhi wa sallam so much, it is because they are deserving of our love. They are deserving of our love. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَزْرًا. I don't ask you for anything. I don't ask you for any reimbursement for my prophethood services to you, but إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. But love my family. Love my family. I go a step ahead. Love my family to the death. To the family of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, I hope, first of all, me and then anybody else, Allah subhanahu wa ta'ala gives us the real, real hubb ahlul bayt sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah. Is my time up? Yeah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Please pray with me this salam, Imam Hussein عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Everybody please. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Which ones? الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام عليكم يا سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله وعدى الله ظالميهم من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد. Thank you very much. MashaAllah, Brother Hassan. बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे आप. अथर भाई, आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे. कुछ मिनट हैं इनके पास. एक मरतबा भरपूर सलवात पढ़ लीजिए. खवातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम. मैं बहुत मुख्तसर आपको दो या तीन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं बयान करने, वो मैं कह के और उसके बाद मौलाना को दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ. पहला पॉइंट तो ये है कि MWA आशूरा बरोज़ जुमा सेलिब्रेट कर रही है या कमेमोरेट कर रही है. उसकी वजह ये है कि मंडे को चांद नज़र नहीं आया था ऑस्ट्रेलिया में या न्यूज़ीलैंड में, और ट्यूसडे को चांद नज़र आया है और उसको विटनेस किया गया है. तो हमारे मुताबिक बुध को पहली मुहर्रम थी और उसकी वजह से आशूरे का जो दिन है वो फ्राइडे पड़ता है. कुछ कन्फ्यूजन इस तरह से पैदा हुई है कि आशूरे का जलूस इस साल थर्सडे को बरामद किया जा रहा है, जो सिटी में निकलता है, जो आप सब जानते हैं. तो उसका हमारे आशूरे से बज़ाहिर कोई लिंक नहीं है, लिहाजा आप ये मत समझें कि आशूरा थर्सडे को हो रहा है. MWA आशूरा फ्राइडे को बरपा करेगी यहाँ पर, और इंशाल्लाह आप सब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे. इसके साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जुलूस के सिलसिले में हमारा पूरा तआवुन उनके साथ है. वो एक हम यूनिटी शो करते हैं उनके साथ, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम ख़वातीन और हज़रात उसमें तशरीफ़ ले जाएंगे और एक यूनिटी शो करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एज ए शिया कम्युनिटी. तो ये बात मैं फिर दोहरा देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आशूरा यहाँ बरपा होगा, जिसमें हमारा जो कैलेंडर आप तक पहुँचा है वो उसी तरह से हम फॉलो करेंगे.
थर्सडे को जो जुलूस निकल रहा है उसका हमारे अशूरे से बज़ाहरा कोई कनेक्शन नहीं है, लिहाजा ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि मुझे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया था, मुझे भी, सेक्रेटरी साहब को भी और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, दूसरा ये है कि आपको मैं ये इतला देता हूँ कि हमने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमने डीए की दरख्वास्त दायर कर दी है पेनरिथ काउंसिल में। सलवात पढ़िए ज़रा बुलंद करेंगे। और वो पहली नवंबर को दाखिल की गई है और इंशाल्लाह ताला इसके नतायज जो कि मुझे उम्मीद है कि मुस्बत निकलेंगे दो या तीन माह के अंदर अंदर, क्योंकि बीच में क्रिसमस आ रहा है उसकी वजह से काम थोड़ा सा ऑफिस में कम हो जाता है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा डिले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद हमें यह है कि फरवरी में इंशाल्लाह ताला उस पर कोई मुस्बत फैसला हो जाएगा और उसके फौरन बाद इंशाल्लाह हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मुनक्किद करेंगे, वहाँ आप सबको इनवाइट करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक मजलिस के साथ हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई आलिम हमारे साथ ज़रूर हों उस मौके पे ताकि वो हमारे लिए दुआ कर सकें और उसकी कामयाबी के लिए। तो आप सबसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ किया करें कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम हर्डल्स कम से कम रखने पैदा हों और ये स्मूथली अपनी कामयाबी को इंशाल्लाह पहुँचे। और आखिरी पॉइंट, इस टाइम काफ़ी हो चुका है, आखिरी पॉइंट ये है कि चूंकि आपको याद होगा कि एक साल पहले हमने मुहर्रम के दौरान ही आपसे दरख्वास्त की थी कि हम $50,000 का टारगेट हमने रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तीन दिन के अंदर अंदर हमारी कम्यूनिटी ने वो टारगेट पूरा कर दिया था। ज़रा सलवात पढ़िए। और ये इंसान की फितरत है कि जब वो कोई काम पहली दफ़ा करता है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो, क्योंकि पहली दफ़ा कर रहा होता है उसे पता नहीं क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फितरतन इंसान जब एक काम कर लेता है एक दफ़ा तो अगली दफ़ा वही काम करने में उसको बहुत आसानी लगती है और वो ज़हनी तौर पर उसको अपने आप को तैयार रखता है। तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, लोगों की तरक्कियाँ हो गई हैं, कुछ लोग जो पढ़ रहे थे वो बसरे रोज़गार आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह कम्युनिटी जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इसलिए मैं आपको फिर ये दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि इस दफ़ा भी हमने वही टारगेट अपना रखा है और इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि 10% बढ़ा दें क्योंकि GDP जो है वो GST। लास्ट ईयर 50,000 का टारगेट था और उससे ज़्यादा हमने अचीव किया था, तकरीबन 55,000, तो वो 10% तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी आपका अगर तआवुन हासिल रहा, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला कल से हम प्रॉपरली आपसे, आज तो मैं आपको जैसे वो कहते हैं हेड्स अप ज़रा बता रहा हूँ कि ये होने वाला है, तो इंशाल्लाह कल से हम ये ड्राइव जो है वो पूरी तरह शुरू करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि कैश या कार्ड के ज़रिए जिस तरह से भी आप ये डोनेशन दे सकते हैं बराए मेहरबानी दीजिए। उसके अलावा मंथली जो हम रेगुलर दरख्वास्त लोगों से कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इनकम भी बढ़ रही है, उसका टारगेट हमारा $14,000 पर मंथ है, जिसमें से कि अल्लाह का बहुत फजल है कि हम तकरीबन $9,000 पर मंथ इस वक्त कलेक्ट कर रहे हैं मंथली। कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई, तो ये अगर हम हाथ मिला के चलें तो ये काम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और इंशाल्लाह ताला जब वो सेंटर बन जाएगा तो यू विल बी रियली प्राउड ऑफ दैट कि वो सेंटर आपकी बिल्कुल शायान शान होगा। हमारे अगली जनरेशन के लिए उसमें ऐसी अट्रैक्शंस होंगी कि ये इनका दिल चाहे वहाँ जाने के लिए। आपका भी अगर कोई सैटरडे को कुछ और काम नहीं है तो आप कहीं यार चलो इमाम बार के चलते हैं, वहाँ टाइम गुजारते हैं, इंशाल्लाह ताला इस तरह का हम बनाएंगे। तो आपका तआवुन हमें हमेशा दरकार होगा और इंशाल्लाह कल से प्लीज़ ये मत भूलिए कि अपना वॉलेट जिसमें कार्ड भी हो, अगर कैश भी हो, वट एवर ज़रूर लाना आप याद रखें और इंशाल्लाह कल मैं आपके पास बज़ाहिर बज़ात खुद हाजिर होऊंगा और आपसे दोबारा ये दरख्वास्त करूँगा। ये गुज़श्ता अगले 3-4 दिन जो हैं
उसमें हमने पूरी ड्राइव करनी है और मैं इंशाल्लाह आपको खुशखबरी दूंगा एट द एंड ऑफ दिस ड्राइव कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं क़िबला मौलाना से IMA एक मजलिस जो उनका सिलसिला है वो बरपा कर रहा है यहाँ पर इरशाद सेंटर में, वो 10 बजे रात से शुरू होगी और मजलिस और मातम होगा वहाँ, तो अगर आप वहाँ तशरीफ़ लेके जाना चाहें इस मजलिस के बाद तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर तशरीफ़ लेके जाएं। मौलाना साहब से सॉरी मौलाना साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप रौनक अफरोज़ मेंबर हों और फ़ज़ाइल और मसाहिब अहले बैत बयान फरमाइए। सलवात एक और मौलाना साहब एक मिनट की और इजाज़त। एक और अहम नुक्ता ये है कि मेरा ख़्याल है हम सब जानते हैं कि नियाज़े हुसैन का बनाना और उसका खिलाना बायस बरकत है, बायस सवाब है, इसमें किसी शिया को कोई शक नहीं है। माशाल्लाह कम्युनिटी बढ़ गई है और अब नियाज बनाने के लिए, नियाज लाने के लिए अब काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है ऑफकोर्स, और ये होता है कि एक बंदे के बस की बात ये नहीं होती है। इसके अलावा कुछ मोमिनीन ऐसे हैं कि जो किसी मसरूफियत की वजह से इस सादत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, लिहाजा हमने ये सोचा है कि इस सादत से कोई महरूम ना रहे और उसके लिए हमने न्याज का फंड एक बनाया है। वो आप चाहे उसमें $10 डालें, 5 डालें, 8, जो मर्ज़ी आप दे सकते हैं उसमें दें ताकि आप उसमें हिस्सेदार बने और नियाज़े हुसैन को खिलाने वालों में बने, क्योंकि मुझे पता है कि मसरूफ़ ज़िंदगी के बायस और ज़ाहिर है इतने बड़े नियाज बनाने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और हर बंदा इस वक्त इस पोजीशन में नहीं होता कि वो ऐसा कर सके। लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि आप उस सादत से, उस बरकत से महरूम रहें, तो प्लीज़ अपनी नियाज के जो फ़ंड है उसमें आप जो भी दे सकते हैं वो दीजिए ताकि वक्तन फवक्तन जब MWA ऑर्गेनाइज करती है नियाज का तबर्रुक तो वो हम जो उस मद में जो रकम आती है वो उसको यूज़ कर सकें और आप सबको उसमें शामिल कर सकें। सलवात थोड़ा थोड़ा अगर और आगे आ जाए मैं बड़ी मादा चाहूँ। बल्कि दो चार मेंबर भी आ जाएं सुहेल भाई हैं जी। अज़ान मोहतरम, मैं मुसाफिर हूँ और सुना है कि यहाँ सैटरडे को हॉलीडे होता है, तो आज जिस जिसका जी जाए तो आज मैं सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह सबकी सुन रहा हूँ, तो मैं अपने प्रेसिडेंट साहब अथर साहब से इजाज़त लेकर चाहूँगा कि आज मैं दो मल्टी से पढ़ लूँ, पहली हो चुकी है, दूसरी मैं दो पढ़ूँगा, एक मौला हुसैन के लिए और एक MWA के लिए पढ़ना चाहूँगा। और चूँकि अथर भाई ने दो ऐलानात किए, मैं इसको दो मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा अपने अल्फाज में ताकि सवाब में मैं शामिल हो जाऊँ। फ्राइडे को आशूरा का जो ऐलान
ना कि प्रेसिडेंट साहब ने किया, अथर साहब ने इसलिए किया कि जिन लोगों की वाजिब नज़र है, आशूरा जुमे के दिन है, तारीख चांद के हिसाब से पूरी दुनिया में अमूमन जो इंडिया पाकिस्तान में जो आशूरा हो रहा है वो जुमे के दिन हो रहा है। यहाँ सिडनी में भी जुमे के दिन आशूरा है, लेकिन चूंकि आगा सिस्तानी का एक हुक्म आया और यहाँ के एक बहुत बड़े आलिम दीन ने अपने मरकज़ से ऐलान किया कि हम ईरान और इराक के मुताबिक आशूरा जुमेरात को मना लें ताकि पूरी दुनिया में पैगाम वहादत चला जाए जी, इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के भी जो बुज़ुर्ग थे, जो कमेटी थी, उन्होंने ये तय किया, इमरान भाई भी मौजूद हैं, खान साहब भी मौजूद हैं, जैन भाई मौजूद हैं, सब बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इन्होंने तय किया कि जो आशूर का जुलूस होगा वो जुमेरात को निकल रहा है जी। अब जुमे को जुलूस नहीं निकलेगा तो सब मिलकर जुमेरात के जुलूस में चले जाए, मिन हैफे आशूरा, आशूरा समझ के सब आशूरा के जुलूस में चले जाएं। लेकिन वो आशूरा जुलूस होगा, 9 मुहर्रम का जुलूस है, पाकिस्तान में भी 8 में निकलता है, 9 को भी निकलता है, 10 को भी निकलता है, तो यहाँ नौ ही मुहर्रम को अगर आशूरा का जुलूस ईरान और इराक की जानब से मिलते तशय्यु अगर मना रही है तो उसमें आप एक कम्युनिटी और एक जमीयत का इजहार करते हुए सब मिलकर इंशाल्लाह उसको शामिल कर लें ताकि उसमें सब में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर लें। यहाँ जुमे को आमाल आशूरा, मसाइब आशूरा और जो भी आमाल और माजालिस होंगी इंशाल्लाह रखी जाएगी। यहाँ जैन भाई मुतवज्जे हैं, खान साहब बैठे हुए, इनसे बहुत डर लगता है, और इमरान भाई वगैरह जितने बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, जावेद भाई भी मौजूद हैं, सफदर भाई भी नज़र आ रहे हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब ने आप मर्दों से ख़िताब किया कि जो 22 एकड़ ज़मीन ली गई उसमें मस्जिद का इनेकाद किया जाए, इंशाल्लाह स्कूल बनाया जाए। मैंने कहा यहाँ वो जगह छोटी है, बच्चे खेलने के लिए परेशान हैं, और होता ये कि मसलन आप तो 2 घंटे बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, आपका बच्चा क्यों सुने, आप क्यों उस बेचारे को सज़ा दे रहे हैं 2 घंटे की, उसके अपनी एक लिमिट है उसकी, आप 4 घंटे बच्चों को पाबंद नहीं कर सकते, गलत है। आपके अब्बा और दादा ने मार मार के आपको आदत डाल दिए तो इधर नहीं चलेगा, आप 4 घंटे बच्चों को पिटाई करें, पुलिस आ जाएगी घर के ऊपर जी। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब आप बड़ी जगह बना रहे हैं तो वहाँ पूल भी हो और घूमने फिरने की जगह भी हो, एक अच्छा 22 एकड़, ये कि सिर्फ मदरसा और मस्जिद नहीं, इतना दीन दीन करके कि बच्चों को पूरा दीन से भगा दें आप, वैसा भी नहीं हो। लेकिन अगर एक मरकज़ बन रहा है तो उस मरकज़ को इंशाल्लाह इस तरह से डेवलप किया जाए कि वहाँ खेल की भी चीज़ों, ताकि जो छोटे बच्चे जो पार्क जाके उसमें 4 घंटा लगा रहे हैं वो मस्जिद आए नमाज पढ़ें, मजलिस और मजलिस के दौरान ही वो जी। तो अब भाइयों से तो बात हो चुकी है, मैं अपनी बहनों से ये इल्तमास कर रहा हूँ, और इन बहनों से मैं इल्तमास कर रहा हूँ, अगर मेरी बहनें मेरी आवाज़ सुन रही हैं, 22 एकड़ जो ज़मीन ली गई है उस ज़मीन में मैं आपको मिंबर से इजाज़त दे रहा हूँ कि आपके शौहर और बेटे यहाँ डोनेशन दें ना दें, लेकिन आपको मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि आप उनके वॉलेट से निकाल के अपनी तरफ से भी दें, दुरूद पढ़ें मिलकर मोहम्मद आलम जी। देखिए एक बड़ा मरकज़ वजूद में आ जाएगा, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक मरकज़ जब बन जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा दिल खोल के आज़ादारी हो सकती है। और ये MWA की जानिब से एक मरकज़ नहीं है, एक सेंटर नहीं बल्कि मस्जिद होगी, और एक बैतुल अहज़ान बनाया जाएगा, यानी वहाँ वो इमाम बरगा के जो बीबी जहरा ने मौला अली से कहा था जी, जब मेरी बहनें और मेरी माएँ इसमें शरीक होंगी, यकीनन बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ास लुत्फ़ करम होगी, तो मैं अपनी माओ बहनों से फिर इल्तमास करूंगा कल से इंशाल्लाह चाहने तक कोशिश करने, जिस तरह मुमकिन हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके इस इदारे को मजबूत से मजबूत तर बनाए, इसलिए कि बहुत मोतमद अले ये मोमिन है कि जो 7 अफराद की यहाँ टीम एक वर्क कर रही है, बहुत अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह सब मिलकर इंशाल्लाह हाथ में हाथ मिलाकर इंशाल्लाह इस मरकज को मजबूत बनाएंगे, दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद आलम अल्लाह वसल्लम। अजय माता मुझे चूंकि पूरा 1 घंटा लेट किया तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को, और मैं अब लेट नहीं करूंगा, मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ, दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اول بالاول والآخر بالان یکون آخر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا صاحب تاج والمراج والبراق والعلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ اعصمہ وجبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وکعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجود وشمس الضحا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا وکہف الورا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین وبسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد اللہم صلی اللہ عزیز محترم الحمدللہ تیسری منزل فلسفہ معجزے کے عنوان سے سورہ کہف کی جس آیہ شریفہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو متوجہ کیا اور آواز دی اے حبیب ام حسبتا کہ آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ انا اصحاب الکہف والرقیم باتحقیق یا اصحاب کہف غار میں سو جانے والے انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ ہماری نشانیوں میں سے مسلم بھائی ایک نشانی ہے توجہ کر رہے ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرا موضوع کیا ہے فلسفہ معجزہ پروردگار عالم نے چند جوانوں کو مخصوص کر دیا اور جو مادیات کے دھارے میں بہ رہے تھے گناہتی اور بندہ پرستی ہو رہی تھی وہ معاشرہ کہ جہاں بادشاہ کو خدا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور بادشاہ کو سجدہ کیا جا رہا تھا ایسے میں کچھ جوان اٹھے کچھ مرد اٹھے جی اب اگر آپ اہل ولایت ایک جملہ کہہ دوں جلدی سے یہ لفظ مرد کی تاریخ بہت پرانی ہے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں کل علم مرد کو دوں گا قرآن نے عجیب جملہ کہا کہ من احد اللہ من الرجال کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو صدقو سچا کر دیتے ہیں قرآن بھی مرد کی تعریف کر رہا ہے کہا صدقو احد اللہ بہت کم مرد ہیں کہ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں رسول نے آواز دی کہ کل میں علم مرد کو دوں گا رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کب وہ ہوگا کہ جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح کا علم اس کے سر پر سایہ فگن نہ ہو جائے کل میں علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا اے رسول میں ہاتھوں کو عرض کروں گا جوڑ کر ان بیچاری عورتوں نے کیا بگاڑا ہے اسلام کا ارے آج تو 2013 ہے یہاں تو ہمارے معاشرے کی عورت جہاز اڑا رہی ہے جنگی جہاز کو فلائی کر رہی ہے
ट्रेन चला रही है, कंप्यूटर चला रही है। और अभी क्यों हमने कहा कि हम आलम मर्द को देंगे? क्या तुम समझे नहीं, यहां हम औरतों को माइनस नहीं कर रहे, हम बताना चाह रहे हैं कल तक जितने गए थे वो मर्द नहीं थे। तो कुरान मोहतरम, तो कुरान ने पढ़कर आवाज दी कि कुछ मर्द थे उड़ गए, उनके दिल में तौहीद का नूर रोशन हो गया। जी गुनाह की वादी में जहां गुनाह आम हो जाए वहां अपने आप को गुनाह की वादी में उतार लेना कोई मर्दानगी नहीं है। यानी मर्दानगी तब है कि जहां सब कल्ला सौफा तालमून। आप देखें यानी ये कैफियत कम होना चाहिए कि जहां एक फैशन बन जाए दीन का मजाक उड़ाना, नमाज का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना। इस ऐसे माहौल में अगर कोई दीन को जिंदा कर रहा हो बड़ी मजहब के साथ, मैं मेंबर बैठ के किसी को नुक्ता लगाने की मेरी आदत नहीं कि मैं किसी शख्स को फोकस करूं। जी मैं अपने मजहब को बयान कर रहा होता हूँ। जी यानी हम मजहब का दिफा कर रहे हैं, नुक्ता लग जाए नारे हैदरी नहीं, ये हमारा मिजाज नहीं। मिजाज यह है कि शरीयत का काम बन जाए। जी यानी गुनाह की महफिल में गुनाह कर लेना बहुत आसान है। फारसी में एक मिसाल है कि अगर न अगर ख्वाही न शबी रुसवा हम रंगे जमात शौ। जी आपने इंग्लिश सुनी, अब मेरी उर्दू भी सुनिए, फारसी भी सुनिए। अगर ख्वाही ना शबी रुस्वा हम रंगे जमात शौ, अगर चाहते हो कि जलील और रुस्वा ना हो तो जमात के साथ मिल जाओ। क्या मतलब जमात के साथ मिल जाओ? कहीं नहीं, एक हमाम में सारे ही, मैं मिंबर है, मैं तो जुमला नहीं बयान करूंगा, कर जिस तरह सब कर रहे हैं वैसे आप भी लग जाइए। जी जैसी दुनिया कर रही है वैसे आप कीजिए, इसलिए कि फला 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 की बेटी पर्दा नहीं कर रही, हमारी बेटी अगर हिजाब करेगी तो महफिल में जचेगी नहीं। नहीं हमें महफिल को नहीं दिखाना है बेटी, हमने बीबी जहरा के सामने पेश करना है। जी तवज्जो कर रहे हैं जनाब मोहतरम, यानी ये मिजाज शरीयत है। शरीयत इसलिए आई है कि जो मिजाज बंदगी को बदल दे, तब्दील कर दे, यानी नेचर को तब्दील कर दे। किस तरह नेचर को? आप कहेंगे वहां से आज बोर करने की मिजाज में बैठे। नहीं बोर नहीं करूंगा जरा मोहतरम, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मर्द जिसे कुरान को पसंद करता है मर्द को, और रसूल ने भी मर्द की तारीफ की, और सूरह कहफ में भी चंद जवानों की बात की गई कि जहां एक बंदे को खुदा मान रहे थे वहां कुछ लोग उठे, कुछ जवान उठे, कहा नहीं हम तुम्हारा इनकार करते हैं, कहा तुम्हारा सर काट देंगे, कहा काट दो हमें इसकी परवाह नहीं है, पहाड़ पर आ गए। पूरी सूरह कहफ इंशाल्लाह बयान करूंगा जने मोहतरम। यानी दौलत को, कुर्सी को, ओहदे को छोड़कर जो खुदा खुदा करे वो असहाबे कहफ बनते हैं। जी नहीं नहीं, वो असहाबे कहफ नहीं, वो असहाबे मूसा नहीं, वो असहाबे ईसा नहीं, वो असहाबे अली नहीं, वो असहाबे हसन नहीं, वो असहाबे हुसैन नहीं, बल्कि वो असहाबे महदी बनते हैं। दूध भाई मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो कर रहे हैं। यानी अब रंगे बंदगी को किस तरह से आपको डिफाइन करना है, यानी किस तरह से दिखाना है कि आप अल्लाह के बंदे हैं। आज़ाने मोहतरम देखिए मसला ये है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं अपने दोस्तों को कि एक इंसान है बेहतरीन, उसको तैरना आता है, स्विमर है, पानी के अंदर भी जाके तैर सकता है, पानी के ऊपर भी तैर सकता है, ये बेहतरीन स्विमर है। बड़े बड़े समंदरों में, बड़े बड़े दरियाओं में उसने स्विमिंग की है। अब ऐसे में ये दरिया के किनारे खड़ा हुआ है, उसने देखा कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, और संदूक भी बड़ा कीमती है। अब दिल में तमन्ना हुई कि देखें तो उसमें है क्या। समंदर से बहता हुआ, दरिया से बहता हुआ आ रहा है, यहां खड़े में डाइव लगाए जाके पकड़ लिया इसने, और बहता हुआ कुछ आगे चला गया। अब इसको अपनी मंजिल पर आना है। मर्दानगी किसे कहेंगे? बहते हुए संदूक को पकड़ लेना मर्दानगी नहीं कि मेरी निगाह में,
मर्दानगी अब है कि जो दरिया बह रहा है अब इसके मुखालिफ आओ। ये थक्कर सुना आपने, मैं फिर बता रहा हूं, मर्दानगी यह है कि दरिया बह रहा है, अपना वजन भी है, संदूक भी है, वापिस पलट कर आओ। ये मर्दानगी है जहां पूरे मजमे में इंसान गुनाह को महसूस कर रहा हो, उस मजमे में उतरना आसान है, उस मजमे से निकलना मर्दानगी है। नहीं मजा नहीं आया, मैं डिफाइन करूं, ये मर्दानगी क्या है कि जो रुखे दरिया को तब्दील कर दे उसे मर्द कहते हैं। तारीख ने एक जुमला कहा है, 55 मुमालिक 55 कंट्रीज पर हुकूमत करने वाला यजीद दरबार में बैठा है, लाखों और हजारों का मजमा है, यजीद ने हाथ फैलाया हुआ है, छोटा बड़ा गोरा काला सब लबैक या यजीदा लबैक या यजीदा, यजीद के हाथ पर बायत कर रहे हैं। पूरी दुनिया खजाने खुले हुए हैं, असलहा खुला हुआ है और यजीद खरीद रहा है लोगों को, आओ मेरे हाथ पर बायत कर लो, आओ मेरे हाथ पर बायत कर लो। एक सफे लगी हुई है लेकिन यजीद नहीं, यजीदियत बेचैन है। अरे वहां मर्द नजर नहीं आ रहा, मुझे इनकी परवाह नहीं है। अरे वो मर्द कहां है कि जो मेरे हाथ पर बयान करेगा, अरे यजीद तुझे क्या हो गया, इतने सारे लोग तेरे हाथ पर बयान कर रहे हैं, कहीं मजा नहीं आ रहा जी। आ समझे हुसैन का मिजाज, हुसैन किस मर्द का नाम है जो दरियाओं के रुखों को तब्दील कर दे उसे हुसैन कहते हैं। जो कर हुसैन उस मर्द का नाम है कि जो दरियाओं के रुखों को फेर देता है। यजीद आप इतने बड़े जाहिल, इतने बड़े बेवकूफ, यजीद आप इतने बड़े गधे हैं, इतनी दुनिया आपके हाथ पर बैत कर रही है, आप कह रहे नहीं हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर, और नहीं करें इतनी शिद्दत है क्या करना करे तो फिर गला काट दो हुसैन का। ये कौन सी बात है, एक आदमी ने अगर बयत ना की तो नो प्रॉब्लम, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं MWA में, एक आदमी को मेरी बात पसंद नहीं आई। अच्छा बाज लोग होते हैं किसी को शक्ल पसंद नहीं, बोला मौलाना स्मार्ट नहीं है। एक आदमी उठ के जाने लगा, ये मिजाज है, एक आदमी उठ के जाने लगा, मैंने कहा किबला हुजूर आप मजलिस छोड़कर ना जाएं, अगर मजलिस छोड़कर गए तो फिर मसला खराब हो जाएगा। अब पूरा मजमा कह रहा है मौलाना साहब इतना मजमा बैठा हुआ, एक अगर एक आदमी चला जाए नो प्रॉब्लम। मौलाना साहब कहे नहीं नहीं किबला आप ना जाएं मजलिस से, तो आप दो ही बात होगी, या तो आप मेरी अकल का मातम करेंगे, नहीं पूरा मजमा मेरी अकल का मातम करेगा, या सब पलट कर देखेंगे ये जा कौन रहा है। तवज्जो कर रहे हैं, लड़के देखिए जा कौन रहा है। अब इतनी शिद्दत की अगर बयत ना करे तो फिर हुसैन के गले को काट दो। आप समझे नहीं, यजीद नहीं यजीदियत पलट कर आवाज देगा, पूरी कायनात हमारे हाथ पर बयत कर ले, हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए कि अगर हुसैन ने बयत कर दी तो समझो हमारी हुकूमत पर मोहरे शरीयत लग जाएगी, दू बड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीब मंजिल है, और जहरा के लाल ने करबला के मैदान में बयत हुआ था, बैत का सवाल हुआ,
दुनिया कहती हुसैन शहीद हो गए, हम भी मानते हुसैन शहीद हो गए, नहीं नहीं, हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदियत और बायत के जनाजे को इस तरह से कत्ल किया है कि ना बायत को कब्र मिली है ना यजीदियत को कब्र मिली है, ना बायत को कब्र मिली है। अगर मिली है तो कोई मर्द मुजाहिद, मैं पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बायत की कब्र दिखा दे। चलो आप कहेंगे बैत की तो कब्र होती नहीं, मौसम कैसी बातें कर रहे हैं, अरे यजीद की ही कब्र दिखा दीजिए। आज मत हुसैन बुलंदर सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले, तवज्जो कर रहे हैं, हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में इस काबिल ही नहीं छोड़ा बायत कि बायत कहीं मुंह दिखा दे या यजीदियत मुंह दिखा दे। और फिर देखिए शायर कितना प्यारा शेर कहता है कि ये कोई नई बात ना थी मीसा में तमार के साथ, ये कोई नई बात ना थी मीसा में तमार के साथ, हक तो यूं ही खेला किया है रसनोदार के साथ, और तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ बायत का सवाल, दो कदम भी ना चलो आबिदे बीमार के साथ। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अच्छा आप देखें कि करबला की जंग में हुआ क्या, इमाम हुसैन जीते या हारे, जाहिरी तौर पर इमाम हुसैन ने गर्दन कटवा दी, लेकिन नतीजा क्या निकला जैन मोहतरम, देखें अगर यजीदियत जीत जाती तो जिसके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी, कहते हैं ऐ सज्जाद हमने तुम्हारे बाप को मार दिया, तुम्हारे चाचा को मार दिया, सबको मार दिया, अब आप तन्हा हो, आ जाओ सरेंडर करो, करबला खत्म, जंग खत्म हो गई, आओ हमारे हाथ पर बायत कर लो, वेरी सिंपल, आइए हमारे हाथ पर बैत करें। इतना खौफ था यजीदियत को, इतना खौफ था यजीदियत को कि अभी हुसैन ने इस तरह से यजीदियत का जनाजा निकाला है, अगर हम फिर मदीने में आकर सज्जा से सवाल बैत करेंगे कहीं मदीना मदीना नहीं बल्कि करबला ना बन जाए। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अरे तवज्जो करें, अजन मतलब पूरी दुनिया में आप मीडिया उठाकर देखें, आप नेट उठाकर देखें, सवालात की भरमार तशैयों पर, क्या तशैयों पर भरमार है, कहा इनके पास कोई और पर्सनैलिटी नहीं है, शख्सियत नहीं जिसपे गुफ्तगू की जाए, 1400 साल से एक ही हुसैन, बोर नहीं होते आप लोग, सवाल हो रहा है दुश्मन सवाल कर रहे, क्या बोर नहीं होते, बार बार जब देखो मुहर्रम शुरू और होना शुरू, इनके पास कोई और पर्सनैलिटी नहीं है कि जिस पे गुफ्तगू की जाए, बार बार के तस्करा कर करके इंसान बोरियत का शिकार हो जाता है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी है कि तकरार मतालिब से, मैं एक ही मजलिस को 10 दफा पढ़ाऊं बोलेंगे बस करें मौलाना दूसरा मौलाना चाहिए जी, तकरार मतालिब से कहीं ऐसा ना हो कि इंसानियत बोर हो जाए, हर साल एक ही आदमी है, वही रोना वही आंसू, नारा बहुत प्यारा है, लेकिन हुसैन करबला से पहले का भी है, करबला से बाद का भी है, तुम्हें हुसैन पर बहस नहीं है, हमारे रोने पर बहस है, तो करबला से पहले कुरान भी था नमाज भी थी जी, अभी नमाज पढ़ने आए फजर में, फिर चंद घंटे बाद दुकान छोड़कर फिर आ गए जोहर पढ़ने, फिर पेट में दर्द हुआ फिर असर पढ़ने, फिर मगरिब फिर ईशा, ये 17 रकअतों को आप कम से कम एक ही वक्त में पढ़ लीजिए कि पूरे दिन भर की बोरियत से बच जाएं, कब मजबूरी है आप समझे नहीं, जहां बंदगी होती है वहां तकरार जरूरी है, कब मौलाना कैसी बात कर रहे हैं आप, जहां बंदगी होती है वहां तकरार जरूरी है, इसलिए हम तकरारे नमाज कर रहे हैं। अच्छा रोजा तो बहुत पुराना है, करबला से पहले क्यों रखते हैं, कहा इसमें तकाज़े बंदगी है, अच्छा ये मर्ज, अगर आप देखें बंदगी है तो यहाँ नमाज जरूरी है इसकी तकरार, और यही चीज आप सेहतमंदों में पाएंगे, सुबह खाना खाया, दोपहर में खाना खाया, रात में खाना खाया, आज खाया कल खाया परसों खाया फिर खाएगा, बोर हो जाएगा कोई बंदा खाने से, बोला मैं बोर हो गया हूँ तकरारे खाने से नहीं खाऊंगा, तो इंशाल्लाह 4-5 दिन में जिंदगी की छुट्टी हो जाएगी जी, बीमारों को भी देख लें आप,
आप बीमारों को आप देखें, डॉक्टर के पास जाएं, इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, इस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर डॉक्टर खेलते खेलते थक गए, एक बल्ले डॉक्टर ने पकड़ लिया, रुक जाओ मैं आपको एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, आपके जिस्म में जरासीम पैदा हो गए, ये एंटीबायोटिक है, इसको इस्तेमाल कर लो 10 दिन तक, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम 1400 साल से बता रहे हैं, ये 10 मजलिसें नहीं है, हुसैनी एंटीबायोटिक है जो यजीदियों के जरासीम को मार देती है, जरूर बड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी ये हुसैनी एंटीबायोटिक है, खुदाई कसम, यहां जब बच्चा जब एक गुनाह की महफिल में जाता है, उस महफिल को महसूस करता है रोड पर निकल के, माशरे में अगर गंदगी देखता है, वायरस लग जाते हैं, आपके कंप्यूटर को वायरस लगते नहीं लगते, कंप्यूटर जब वायरस ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर आफ्ताब याद आते हैं, आना चाहिए जी, यानी डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि इस कंप्यूटर का इलाज हो जाए, पहले इंसान बीमार होता था, अब हमारा कंप्यूटर भी हमारी मशीनें भी वायरस वाली हो जाती हैं, तो जरूरी है कि किसी हकीम किसी तबीब के पास जाएं। आई अदीदों, ये मजलिस मजलिस नहीं है, ये वो जगह है कि जहां आपका बच्चा आ गया तो उसमें 10 दिन तक एंटीवायरस फीड होता रहा है, या एंटीवायरस जब आएगा, अब यजीदियत ने जो गन फैलाई माशरे में, अब जितनी भी गन है ये खुद ब खुद एंटीवायरस इसकी जंग लड़ेगा, इसके नर्स को मुतहर्रिक कर देगा, नहीं नहीं ये आंखें नामहरम की तरफ जाएं, नहीं नहीं इससे हुसैन पर रोया जाता है, ये हाथ गुनाह की तरफ जाएं, नहीं नहीं इससे हुसैन हुसैन होता है, दूर पड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी मां साहब देख कर रहे, यानी कहीं मिजाज है कि आ जाओ, अब दुनिया एतराज कर रही है क्या हुसैन हुसैन क्यों करते हैं, क्या आप समझे नहीं हुसैन हुसैन को, ये जिक्र हुसैन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आए खाएं पिए रोए चले जाएं, कहा नहीं नहीं आप समझे नहीं, जिक्र हुसैन में बंदगी भी है, जिंदगी भी है, माशरे की सेहत भी है, अगर जिक्र हुसैन ना होता तो फिर ना नमाज होती, ना अजमत कुरान होता, ना नबुवत होती, ना खुदा की तौहीद होती, इसलिए कि हुसैन ने बता दिया ऐनाना करबला के मैदान में मैं अपने सर की बाजी लगा रहा हूं ताकि परचमे तौहीद बुलंद रहे, तेरी नबुवत का कलमा जारी रहे, मैं रहूं ना रहूं लेकिन तौहीद का परचम बाकी रहे, दूर पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे जवान दोस्तों मुतवज्जो हो जाएं, इन्हें बात सिर्फ एतराज कर देते हैं, और शिया हमेशा डिफेंसिंग हैसियत में होता है, उसकी पोजीशन क्या शिया की, हमेशा डिफेंस करेगा, ओ भाई आप मर्द के चाहने वालों मर्द बनो, ये क्या लोग आप पे हमला करना, बोलो हम डिफेंस करेंगे, दौड़ लद गए डिफेंस विफेंस की, अब डिफेंस नहीं आप अटैक पोजिशन में आ जाए, यानी क्या नाउजिल्ला मदल्ला मौलाना साहब मेंबर से खुद के धमाके की दावत दे रहे, नहीं हमारा खुद के धमाका हराम, किसी को कत्ल कर देना हराम, हमारा मकसद ही नहीं है कि हम खून खराबा करें, इमाम हुसैन तो करबला के मैदान में कह रहे थे मुझे जाने दो जाने दो, मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं सब हिंदुओं को मुसलमान बना लूंगा, आकाश हुसैन हिंदुस्तान चले जाते, लेकिन खुदा की कसम यजीदियत को इस्लाम पसंद नहीं था जी, तवज्जो कर रहे हैं, तो अजीदों हमेशा सवालात, हमेशा सवालात, और हम शिया बेचारे मिंबरों से किताबों से उनको उनका डिफेंस कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमला करने वाला होता है तो वो जहां से दिल चाहे हमला कर दे, आप लोग जाग के सुन रहे हैं तो मैं सुनाऊंगा, नहीं बिस्मिल्लाह नहीं सिर्फ तो ना हमारी अच्छी सेटिंग है खान साहब से, तो पीछे वाले भी इंशाल्लाह हमारे साथ मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो चुको ना जरा मातरम, यानी ये कमाल है कि हमेशा शिया जो डिफेंस पोजीशन में, क्यों हमें अटैक करना चाहिए, और सवाल हो रहा है आप मातम क्यों करते हैं, खूब अच्छा सवाल ये होना चाहिए आपकी तरफ, आप मातम क्यों नहीं करते हैं,
वेरी सिंपल। आप क्यों मातम करते हैं? आप मातम क्यों नहीं करते हैं? किसी ने कहा कि आप बताएं कि ये आशूर का जुलूस कुरान में। मैंने कहा ये बात बात मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े आलम दीन हैं, मुफ्ती हैं पाकिस्तान में, एक दिन बैठे बात हो रही थी तो मैंने यार इस बात को छोड़ो, मैंने कहा आप ये बताओ पूरे कुरान में कहाँ लिखा है कि बिल्ली खाना हराम है, बिल्ली कैट। कह रहा कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम तुम्हें दिखा सकते हैं कि हुसैन का मातम करना सिर्फ हुसैन का मातम करना नहीं है, बल्कि आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक तमाम अम्बिया ने हुसैन का मातम किया है। सिर्फ एक दो मिसालें हज़रत मोहतरम, नहीं कुरान कह रहा है। अगर कोई एतराज करे तो सूरह यूसुफ को उठाकर देख लें, 84 से लेकर 85 तक, 84 से 85 तक आयतें बता देंगी आपको कि हुसैन का मातम करना, शहीद पर गिरिया करना जायज है या जायज नहीं है। जी कालू तल्लाहे तफ्तु तज़करल यूसुफ हत्ता हरसन औ मिनल हालिकीन। एक मरतबा यूसुफ के भाई आए याकूब के पास, कहने बाबा इतना गिरिया कि आपकी आंखें सफेद हो गई हैं, बाबा डर ये है, खुद फेंक कर आए सहरा के अंदर परसों को मल्डिस में, खुद फेंक कर आए, बाप को रोक रहे हैं कि बाबा कहीं आपकी आंखें सफेद ना हो जाए, हरदन कहीं मरीज ना हो जाए रो रो कर मातम कर करके, और मिनल हालिकीन कहीं ऐसा ना हो कि आप हालिकीन में सो जाए। नहीं समझे? मातम को रोकने वाले कातिले नबी तो हो सकते हैं, औलादे नबी नहीं हो सकते। दूर पड़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी अज़ीम मोहतरम, यानी किरदार है इम्मा और किरदार नबुवत है कि जिन्होंने बताया तारीख भरी पड़ी आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए मौलारी गए करबला के सफीन से वापस पड़े और वो उन्होंने कैफियत को महसूस किया। एक बार सवाल के परवर देखा कैसी जगह जबरी नाजिल हो गए, कहा आखिरी नबी का नवासा यहाँ मारा जाएगा तीन दिन का भूखा प्यासा। अरे अजीजो खुदा की कसम हुसैन इबन अली ने करबला के मैदान में अपनी जान का नजारा नहीं दिया सिर्फ, बल्कि रिवायत के जुमले हैं कि वो मंजिल है कि जहाँ जब नबी के रोज़े पर आए खुदा हाफिज़ करने के लिए इतना गिरिया कि जब पलट कर जाने लगे कहे ऐ मेरे हुसैन सिर्फ तुम्हें नहीं जाना है अपनी बहनों को भी लेके जाना है। अल्लाह अकबर, हुसैन की बहनें भी जाएंगी। अय दीदो तहरीर करबला की किताब हुसैन ने किरता से ज़ैनब की चादर पर लिखा है, अब्बास के कटे हुए बाजू हैं, अली अकबर के जिगर का खून है कि जिससे हुसैन ने तारीख करबला को रकम कर दिया। अय अदादारों जब जहरा का लाल करबला के मैदान पहुंच गया और उस कैफियत को महसूस कर रहा है कि अब दिन कम है और अब मैं जितना ज़्यादा हो सके हर नफस में हर सांस में अपने रब की बंदगी कर लूं, इबादत कर लूं। अय अदादारों यहाँ हुसैन सुबुहुन कुद्दूसुन की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, कोई सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, कोई सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दी की आवाज़ें बुलंद कर रहा है, और इन 72 लोगों के अंदर जहां एक खौफ की कैफियत होना चाहिए थी लेकिन वहां मिजाज बंदगी ये है कि न किसी को पानी की फिक्र है, न किसी को खाने की फिक्र है, न किसी को आराम की फिक्र है। वो दिन आ चुके हैं हज़रत मोहतरम कि जब हुसैन का हर चाहने वाला, अब देखें मेरे जवान दोस्त अपनी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ कर आए हैं, करबला का दरवाज़ा खुला हुआ है मेरे दोस्तों, हुसैन आज भी तुम्हें आवाज़ दे रहा है कि अपने नफ्स को बचा लो गुनाहों से। ऐ जवानों जो अली अकबर का मातम करते हैं खबरदार वो शराब के करीब नहीं जा सकते, ऐ मेरे अब्बास का परचम उठाने वालों खबरदार वो जिना और गुनाह की तरफ नहीं जा सकते। ये हुसैन का पैगाम है, करबला का पैगाम है कि जो अपने जवानों जो अपने अदादारों को पाक व पाकीदा देखना चाहते हैं वो हाथ के जो आज़ादारी के लिए उठ जाएं वो गुनाह की तरफ नहीं जा सकते। मेरे जवान दोस्तों अय अजीदों वो मंजिल के जब हुसैन इबादत परवरदिगार कर रहे असहाब तड़प रहे हैं, इस कैफियत में
एक मरतबा जब शब आशूर आई खैमों का एक मरतबा, वहाँ यजीद के जो खैमे लगे हुए थे उसमें एक ऐसा है जो मुस्तर है और समझ रहा है कि करबला की जंग नहीं होगी। लेकिन आइए दीदो मक्तल के जुमले के एक मरतबा जब इसका दिल तड़पने लगा, एक मरतबा इस इंसान ने अपने गुलाम को कहा कि पानी लाओ, मेरा दिल तड़प रहा है, मैं नाफले नमाज सब पढ़ना चाहता हूं। रिवायत में इसका नाम हुर मिलता है। मक्तल का जुमला है हुर, वजू करने के लिए बैठ गया, जैसे ही पानी डाला एक मरतबा किसी बीबी के रोने की आवाज आई, किसी बीबी की रोने की आवाजें आने लगी। अरे अदादारों, हुर परेशान हो गया, उठा दाएं बाएं देखा कोई नजर नहीं आया, फिर बैठा पानी डालने लगा, एक मरतबा किसी बीबी की रोने की आवाज आई, वाह हुसैना वाह मजलूमा। एक मरतबा खैमे के बाहर गया, देखा कोई नहीं है, फिर आया वजू करने के लिए बैठा, एक मरतबा तीसरी मरतबा चेहरे पानी डाला, आवाज आई, अरे हो शर्म कर, अरे हो हया कर, तू यहां बैठकर पानी बहा रहा है, अरे वो मेरे छोटे छोटे बच्चे, अलतश अलतश। अदादार एक मरतबा हुर खड़ा हो गया, खयामे हुसैनी का रुख किया, जब कान लगाया तो आवाजें आ रही थी अलतश अलतश। हुर के सीने में दिल जख्मी हो गया, हुर तड़पने लगा। आए अदादारों, एक मरतबा हुर तारी की शक को गुजार चुका, हुर किसी बुजदिल इंसान का नाम नहीं है, हुर तो हुसैन जैसे चाहने वाले मर्द का नाम है। हुर समझता था कि जंग नहीं होगी। एक मरतबा आए सुबह की फजर की नमाज पढ़कर आए, एक मरतबा भाई मौजूद था, गुलाम मौजूद था, बेटा मौजूद था, कहा बाबा कहां गए रात है, कहा अब जंग होगी लिहाजा मैं फरजंदे जहरा की खिदमत में जाना चाहता हूँ। जाने लगे, गुलाम ने कहा मौला मेरे लिए क्या क्या हुक्म है, कहा मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, कहा मौला जब तक गुनाह की मंजिल पर रहे साथ रखा, अब जब मंजिल मिल रही है मुझे छोड़कर जा रहे, कहा तू भी शामिल हो जा, भाई को भी शामिल किया। इब्ने साद ने जब हुर को देखा तो क्या देखा कि हुर का चेहरा नीला हो रहा है, हुर का जिस्म कांप रहा है। इब्ने साद आगे बढ़ा, कहने आए हुर मैंने बड़ी बड़ी तेरी जंगे देखी है और मैंने तेरी तलवार की काट देखी है, आए हुर मैंने किसी जंग में तुझे इतना खौफजदा नहीं देखा, अरे इन 72 से डर गया। कहा इब्ने साद के जंग होगी, का जंग तो हतमी है। कहा इब्ने साद खबरदार, अगर तू मुझसे जंग करवाना चाहता है मैं यहां से नहीं वहां से लड़ूंगा। अरे अगर होता भागने वाला तो रात की तारीख की में चला जाता, पूरी फौज देख रही है 30,000 की, और सीना तान कर जा रहे हैं, मैं जहन्नम के रास्ते को छोड़कर जन्नत के रास्ते पर जा रहा हूं, और जा रहा है। और यादादारो हुर का सीना तना हुआ है, किसी की मजाल नहीं है हुर के हाथ को रोक ले। लेकिन मक्तल ने जुमला लिखा या दादारो, जैसे ही खयामे हुसैनी नजर आए हुर ने सवारी से गिरा दिया। भाई आगे बड़ा, गुलाम आगे बढ़कर नहीं नहीं ऐसे लेकर चलो जैसे किसी मुजरिम को लेके जाते हैं, अरे ऐसे लेके चलो, हाथों को बांध दो। बेटे ने हाथ बांधा, भाई ने आंखें बांधी, कहा मैं जहरा के लाल की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। अदादारो कैसे समझ रहे हैं, अगर ये कैफियत हमारे दिल में आ जाए, अरे बीबी ये आंखें गुनाह करती है, किस तरह से हम तेरे हुसैन का मातम करें, अरे बीबी ये हाथ किस तरह से हुसैन का मातम करें, हम गुनाहगार हैं। अरे अजीजों का ये तसव्वुर आ जाए, खुदा की कसम हुसैन आपको सीने से लगा लेंगे, इसलिए कि हुर में हुर के दिल में ये तसव्वुर आ गया मैं गुनाहगार हूं। एक मरतबा जब मुजरिम बनकर आए, हुसैन ने अकबर को आवाज दिया, मेरे लाल अकबर हुर का बेटा आ रहा है, तुम बेटे का इस्तकबाल करना, आया मेरे भैया अब्बास तुम बढ़कर हुर के भाई का इस्तकबाल करना, जॉन से कहा उसके गुलाम का इस्तकबाल करना, मैं बढ़कर अपने हुर को सीने से लगाऊंगा। आया दादारों जब हुर का आमना सामना हुआ, हाथ बंधे हुए, हुसैन ने हुर के हाथ खोले, आंखों से पट्टी बांधी, हुर कदमे हुसैन पे गिर गए, कजहरा के लाल माफ कर दे। अल्लाह अकबर, आए हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, कहा मौला ऐसे बात नहीं बनेगी, मौला क्या इजाजत है, कहो तुम हमारे मेहमान हो इजाजत है, कहा इतना बताए अली की बेटी का खैमा कहां है।
تاں جے وہ خیمہ ابھی ہور کا خیمہ دور تھا ہور بینڈ گئے ایک مرتبہ آواز دی شہزادی علی کی بیٹی ہور کو معاف کر دینا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا آقا بھائی تین دن کا بھوکا پیاسا میری وجہ سے اے شہزادی معاف کر دینا ایک مرتبہ آواز نہیں آئی اور رونے کی آوازیں آئیں حسین نے پگلا سینے سے لگا لیا اے ہور میری ماں نے معاف کیا میری بہنوں نے معاف کر دیا آیا دادا لوگ واپس لے کر آئے جیسے ہی آج روز عاشورا شروع ہوا اصحاب کا جانے کے بارے ہور سب سے پہلے آ کے کھڑے ہو گئے کہا مولا مجھے جلدی اس لیے کہ میں دیر سے آیا ہوں مولا مجھے جلدی جانے دیں اے عزیزوں ایک مرتبہ ہور کو جب دیکھا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا ہور اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں سب سے پہلے بھیج دیتا ہوں تلوار کو حائل کیا ایک مرتبہ ہور جانے لگے اے میرے مولا حسین ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا ابھی تو مہمان آیا ہے اتنی جلدی آپ بھیج رہے ہیں عجب نہیں کہ امام حسین آواز دے کہ میں کوئی معمولی آقا نہیں ہوں میں جانتا ہوں ہور آ گیا خدا نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا میری بہنوں نے معاف کر دیا لیکن ہور مرد ہے غیرت مند ہے ارے ہور کا دل ندامت کر رہا ہے پشیمان ہے کہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا کہیں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹا سا بچہ کہے ماں یہی وہ ہور ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں ہم احساس ندامت ختم کر دیں گے حسین اتنا کریم ہے گناہگاروں کو ایسے معاف کرتا ہے آیا دادا ہور کو بھیجا ہور جانے لگے آدھے راستے سے پلٹ آئے حسین نے پوچھا کیا ہوا اور کیا ہوا کہ مولا نہیں میں نہیں جاؤں گا پہلے میرا بیٹا جائے گا مولا دیکھو تو صحیح بیٹے کا درد کیسا ہوتا ہے بیٹا گیا تین دن سے بھوکا نہیں تھا بیٹا کھا کر آیا تھا پانی پی کر آیا جم کے لڑا ہور تین دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا لیکن آدھا دنوں کب تک لڑتا لڑتے لڑتے جب ہور کا بیٹا گرا آواز دی یا بتاؤ ادرکنی بابا مدد کو آئے ہور تین دن کا بھوکا نہیں ہے ہور کا بیٹا بھوکا نہیں مقتل نے جملہ لکھا ہور نے سنا کمر جھک گئی جب پہنچا تو کیا دیکھا تین دن کا بھوکا پیاسا اسے باپ سے پہلے جوان کے لاشے پر جیسے ہور نے منظر دیکھا حسین کو دیکھا اپنے باپ اپنے بیٹے کے لاشے کو بھول گیا کہا مولا اتنی جلدی کہا ہور کیسی باتیں کر دو اے ہور کہ تم نے شریعت نہیں پڑھی ارے میرے نانا کی حدیث ہے کہ بیٹے کے لاشے پر باپ کا کھڑا ہونا مکروہ ہے اے ہور مکروہ بیٹھ جا ہور نے کہا مولا بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے کہا ہور ہٹ جا ایسے ہو نہیں سکتا حسین کے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا مولا حسین اکبر کا لاشا یا حسین ماتم حسین شاہ حسین